अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे। और जो लोग भी हज 2024 का इरादा कर रहे हैं, फारम भर रहे हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द अपने घर की हाज़िरी के लिए उन्हें कबूल फ़रमाएँ और सारी ज़रूरतों का इंतज़ाम अल्लाह ताला गैब से मुहैया फ़रमाएँ। दोस्तों, फारम तो अक्सर लोगों ने भर दिया है, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जिन्होंने फारम नहीं भरा है। लेकिन फारम भरने के बाद में सबको एक ही चिंता है कि हमारी मंजूरी कब आएगी, मंजूरी का कब पता चलेगा, और दूसरे जो कवर नंबर है, क्या ये मंजूरी के बाद मिलता है या पहले मिलता है, और कवर नंबर होता क्या है। ख़ास तौर से इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद आपके सवालों का जवाब भी दूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, कवर नंबर जो है ये एक तरह से जैसे पासपोर्ट का फाइल नंबर आपको मिलता है, उससे आप जो है अपने पासपोर्ट की सारी जानकारी लेते हैं कि पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा है, इंक्वायरी हो गई है या नहीं हो गई है, कौन से दिन तक आ जाएगा। इसी तरह का एक नंबर होता है जो हज कमेटी की तरफ से जारी किया जाता है। दोस्तों, ये मंजूरी के बाद नहीं बल्कि फ़ारम भरने के 3-4 दिन के बाद में जो है आ जाता है, लेकिन अभी तक लोगों का नहीं आया है। अगर किसी भाई का, किसी साहब का आया हो तो वो कमेंट में बता दे। वैसे अभी तक किसी का आया नहीं है। उम्मीद है कि आज कल में इंशाल्लाह जो है कवर नंबर मिल जाएगा। कवर नंबर जब आपको मिल जाएगा तो आप उससे अब जो है अच्छी तरह से जो है चेक कर पाएंगे कि आपकी मंजूरी हो गई है या नहीं हो गई है। आपका पूरा फॉर्म, आपके फ़ोटो लगे हुए, कितने मेंबर हैं, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ आएगा। जब आप किस्त जमा करेंगे तो कितनी किस्त आपने जमा की है, वो सब जमा हुई नज़र आएगी। कौन से बैंक में जमा की है और कितने बाकी हैं, वो सब उसके अंदर नज़र आएंगे। आपका मकतब नंबर क्या होगा, मक्के मदीने में एक मकतब नंबर होता है, वो आपको मिलेगा। इसी तरह से आपका जो बिल्डिंग नंबर है वो क्या होगा, आपका जो कमरा नंबर है वो क्या होगा, और आपकी फ़्लाइट कौन सी तारीख की होगी, कौन सी तारीख में जाना है, कौन सी में आना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर नज़र आएगी। वो आपको कवर नंबर से ही नज़र आएगी। तो ये कवर नंबर पूरे ग्रुप का एक नंबर मिलेगा। अगर 4 आदमियों ने, 5 आदमियों ने फॉर्म भर रखा है तो एक कवर नंबर आपको मिलेगा और सबकी डिटेल जो है उसी एक कवर नंबर से नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर किसी हाजी ने, अकेले ने फॉर्म भरा है तो उसका अकेले के लिए भी एक अलग कवर नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कवर नंबर ये होता है और ये हर हाजी को मिलता है। इसका मंजूरी से, सिलेक्शन होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिलेक्शन आपका बाद में होगा, कवर नंबर आपका आजकल में आ जाएगा, उससे आप चेक करते रहेंगे। जब आपका सिलेक्शन होगा, दोस्तों सिलेक्शन का मामला ऐसा है कि जितने लोगों को हज कमेटी को भेजना है, जितना कोटा हिंदुस्तान को मिला है, अगर फारम उतने ही हैं तो सबका डायरेक्ट जो है सिलेक्शन हो जाएगा और सबका नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर फारम ज़्यादा भरे गए हैं और कोटा कम है, यानी कम लोगों को भेजना है, तो फिर जो है कुर्रा होता है, कुर्रांदाज़ी से बोलते हैं, तो उस कुर्रे के अंदर जो है नाम निकलते हैं, जिसका भी नाम आ जाता है वो हज को जाता है। तो जितने भी एक ग्रुप में आदमी हैं, अगर किसी का नाम निकलता है तो वो सभी पूरे ग्रुप के लोग जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक आदमी का नाम निकलेगा, पूरे पूरे ग्रुप का जो है नाम निकलेगा। इसलिए अकेले ने भरा है तो उसका अकेले का नंबर आएगा। तो जब नंबर आएगा, आपको SMS के ज़रिए भी बताया जाएगा। अगर आपने अपनी ईमेल ID डाल रखी है तो उसके ज़रिए से भी बताया जाएगा। और एक बात जहन में रखे, हमने जो मोबाइल नंबर डाला है वो कवर हेड का डाल रखा है, तो उसी के नंबर पर SMS आएगा। जितने लोग ग्रुप में हैं, सबके पास जो है, सबका मोबाइल नंबर वहाँ नहीं लगा हुआ है, इसलिए सबके पास मैसेज नहीं आएगा। इसलिए जिनका फ़ोन नंबर उसमें लगा हुआ है, उसे मुतनब्बा कर दे, आगा कर दे कि आपके पास जो है SMS आएगा, हमें बता देना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, अपने बड़ों को कवर हेड बना देते हैं और उन्हें इस बारे में मालूम नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जिसने फॉर्म नहीं भरा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो फ़ोन नंबर अपना डलवाएँ, नौजवान जो आदमी है, जो पढ़ा लिखा है, ताकि अच्छी तरह समझ सके कि हज कमेटी क्या कह रही है। क्योंकि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी, कोई भी बात होगी, हज कमेटी आपको जो है फ़ोन भी कर सकती है और SMS के ज़रिए भी आपको बता सकती है। तो हो सकता है उन्हें पता ना चल पाए, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं। तो इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। और अभी मंजूरी के बारे में कुछ नहीं है, अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद डेट बढ़ेगी या नहीं, डेट जब फाइनल हो जाएगी, बढ़नी बंद हो जाएगी, उसके बाद जो है
सिलेक्शन का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद फिर जो है किस्त के बारे में ऐलान किया जाएगा कि पहली किस्त कितनी होगी, दूसरी और तीसरी, तीन किस्तें जमा होंगी, तीन किस्तों में आपसे जो है हज कमेटी पैसा लेगी। तो वक्त पर ही इंशाल्लाह बताएंगे कि इस तरह से आपको करना है। फ़िलहाल आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और आप हजरात ने जो कल से अब तक जो सवाल आए हैं 24 घंटे के, तो उन सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं। आप हजरात से गुजारिश है कि जिन्होंने सवाल किया है वो भी सुने, जिन्होंने नहीं किया वो भी सुने। बहुत ही काम की बात और काम के सवाल आप हजरात ने पूछे हैं, इंशाल्लाह सभी को बड़ा फ़ायदा होगा। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल किया गया है, सवाल किया गया है कि मेरा और मेरी वाइफ का पासपोर्ट का एड्रेस अलग है तो क्या चलेगा? दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल किया गया है, आपने जो कवर हेड बनाया है, सवाल किया गया है शोहर को, मेरा और मेरी वाइफ का पासपोर्ट का एड्रेस अलग अलग एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, वही काफ़ी है। आपने जो कवर दूसरा सवाल एक भाई ने किया है कि अपने शोहर का एज जो है 73 साल है एड्रेस और मेरी अलग अलग एज है, उम्र है वो 70 साल काफ़ी है। फार्म भर रहे थे, दूसरा सवाल एक भाई ने किया है नहीं मेरे अब्बू का एज तो मैंने जर्नल में भर दिया है और मेरी अम्मी की जो एज है यानी उम्र है, आपने जो फार्म जर्नल में भरा है, भर रहे थे 70 आने वाला नहीं तो एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि आप 70 प्लस में हैं तो मैंने जर्नल में भर दिया। आपकी जो अम्मी है वो भी 70 प्लस ही है, क्योंकि 70 साल होने के बाद में 71वें साल में चल रही वाला नहीं है, एक दो महीने आप 70 प्लस में हैं तो इसलिए दोनों ही 70 प्लस हैं, वो भी 70 प्लस ही दोनों के साथ में एक एक शादी साल होने के यानी एक आदमी 71वें साल में चल रही है, एक दो महीने जो ऊपर होंगे आपका जो फार्म है दोनों ही 70 प्लस नहीं हुआ है तो दोनों के साथ जो है दोनों के साथ में एक आदमी जोड़ना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा और जर्नल में फार्म भरने से इसलिए जो है आपका फार्म आपका जो फार्म है जो है वो सबमिट नहीं हुआ, आपकी मंजूरी नहीं आई, आपको जो है दोनों के साथ इसलिए एक आदमी से जोड़ना पड़ेगा दीजिए और दोबारा से और जर्नल में फार्म भरने से इनके साथ में एक एक आदमी को जोड़कर ही फार्म आपको भरना पड़ेगा या अकेले नहीं जा सकते, आपकी मंजूरी नहीं आएगी इसलिए आप इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि एक हज का कितना खर्च होगा, आदमी को जोड़कर भाई एक हाजी का जो खर्च है अकेले नहीं जा सकता, अगर खाना खुद बनाएगा। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि एक हाजी का कितना खर्च होगा, लेकिन अगर खाना हाजी का होटल से खाएगा फिर जो है 4.5 लाख मान के चलिए खुद बनाएगा तकरीबन 4 लाख के आसपास 50,000 के करीब 4 लाख एक महीने का खर्च जो है, लेकिन अगर खाना जो है होटल बराबर होटल से खाए 4.5 लाख मान के चलिए तकरीबन 100 रियाल मान के चलिए नाश्ता दोपहर का खाना 4 साल का खाना एक होटल से अगर खाने का आएगा जो बराबर इस तरीके से। एक बहन ने सवाल किया है तकरीबन 100 रियाल मान के 52 साल है, दोपहर का खाना चाहती हूं, शाम का खाना कोई महरम नहीं होटल से अगर खाएगा। मुझे इस तरीके से ज्यादा चलने सवाल किया है कि परेशानी होती है जो है क्या वहाँ व्हील चेयर पर जाना जाने के लिए किसी कोई महरम नहीं सकती है? नहीं बहन, वहाँ इस तरह का आदमी आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम है, आपको यहीं से क्या कोई आदमी अपने साथ में खिदमतगार ले जाना चाहिए, किसी की खिदमत मिल सकती है? आपको व्हील चेयर तो मिल जाएगी लेकिन व्हील चेयर चलाने वाला नहीं मिलेगा, आपको यहीं से कोई आदमी। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि मैं झारखंड से हूँ, आपको व्हील चेयर तो मिल जाएगी लेकिन व्हील चेयर चलाने वाला नहीं मिलेगा या फिर प्राइवेट से? भाई हमारे हिसाब से इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है हज कमेटी से खंड से कुर्बानी ना करे, कुर्बानी हज कमेटी से करना ठीक रहेगा? इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने वीडियो भी बना रखी है, भाई हमारे हिसाब से भी देख सकते हैं करना ठीक रहेगा हज कमेटी से यस कुर्बानी ना करे उसे नो कर दे का जो है इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने वीडियो भी बना रखी है। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा कि नंबर आने के बाद कवर नंबर मिलेगा या पहले? भाई इसके बारे में वजाहत कर चुका हूं, पहले वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि नंबर आने के बाद कवर नंबर मिलेगा या बरेली से हूँ? भाई इसके बारे में आज के लिए लखनऊ से फ्लाइट का किराया 3,50,000। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है 3 लाख रुपए तो क्या बॉम्बे से फ्लाइट ली जा सकती है? बरेली से हज के लिए कन्फर्म होने पर रवानगी की तारीख से कितने दिन पहले जाना पड़ेगा? मुंबई से 3 लाख दिन पहले हज कमेटी में जमा करना पड़ेगा। मुंबई से फ्लाइट ली जा सकती है? रायबरेली से मुंबई 1,000 किलोमीटर दूर और कन्फर्म होने पर रवानगी की तारीख से कितने दिन पहले जाना पड़ेगा? पासपोर्ट कितने दिन पहले हज कमेटी में जमा करना पड़ेगा तो फिर आपको परेशानी होगी? रायबरेली से मुंबई 1,000 किलोमीटर लखनऊ से वहाँ कोई आपके लिए बेहतर मेहरबानी करके रहनुमाई फरमाएं। और देखिए एक बात और इसमें समझ लीजिए कि जो लोग फिर आपको परेशानी बराबर मुंबई को सिलेक्ट कर रहे हैं इसलिए दूसरा
लखनऊ से जो है सस्ता एयरपोर्ट के लिए बेहतर यही जो है हर आदमी और देखिए एक बात कर रहा है समझ लीजिए कि जो लोग जो है बराबर मुंतखब कर रहा है अपने लिए या कोई दूसरा अगर वहाँ पर आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो हज कमेटी को इख्तियार होगा कि हज कमेटी आपके जो एयरपोर्ट है उसे चेंज कर सकती है मुंतखब कर रहा है अपने लिए तो आप ज़रूरी अगर समझे कि हमने अगर ज़्यादा हो जाए सेलेक्ट कर लिया तो वही रहेगा अगर वहाँ हज कमेटी हो गया और ज्यादा आदमी ने उसे सेलेक्ट कर सकती है तो फिर हज कमेटी अपने हिसाब से तो बदलेगी आप जरूरी ना समझे और हमने अगर उसे मानना सेलेक्ट कर लिया तो वही रहेगा हम खुद तो बदल नहीं सकते लेकिन हज कमेटी बदल सकती है ज्यादा आदमी ने यही सेलेक्ट किया तो फिर हज इसी तरीके से भाई ने पूछा है कि अजीजिया बेहतर रहेगा या कोई मानना पड़ेगा कैटेगरी है अजीजिया हम खुद तो बदल नहीं सकते लेकिन हज कमेटी बदल भाई ने पूछा कि पैन कार्ड ना हो तो चलेगा जी हाँ इसी तरीके से भाई ने पूछा है कि अजीजिया बेहतर रहेगा या कोई और पैन कार्ड की कैटेगरी है फॉर्म भर सकते हैं दूसरी है ही नहीं इसी तरीके से भाई ने पूछा कि भाई हम लोग चलेगा जी हाँ पैन कार्ड अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है इस साल हज पर पैन कार्ड के ही आप जो है फॉर्म भर सकते हैं आपके लिए का सभी के लिए हम तो दुआ करते हैं इसी तरीके से भाई ने पूछा कि भाई हम लोगों को अपने घर की हाजिरी के लिए कबूल फरमाए जो भी रुकावटें इस साल हज पर की वजह से हो या किसी और वजह से हो अल्लाह ताला सभी आपके लिए का आसान फरमाए और सभी के अल्लाह तबाराक व तआला सभी को अपने घर का अपने घर की हाजिरी के लिए कबूल फरमाए जो भी रुकावटें हैं पैसों की वजह से हो या किसी